हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम डोरेमोन के 5 ऐसे मूवीज के बारे में बात करेंगे जिसने टीवी पे धमाल धमाल मचा दिया, और उनके स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और मन करे तो लाइक कर दीजिएगा। टॉप नंबर पे जो हमारा मूवी आता है उस मूवी का नाम है नोविदा द जन्नत नंबर 1। और बात कर इस मूवी के स्टोरी का, तो नोविदा इसमें एक जन्नत बनाता है, वो भी क्लाउड के ऊपर, जो देखने में सचमुच बहुत औसम होता है। और इस मूवी टीवी पे जो देखने का मजा है वो कहीं और नहीं। टॉप 4 नंबर पे जो हमारा मूवी है उसका नाम है डोरेमोन इन एडवेंचर ऑफ कोयाकोयाप्लैनेट। और बात करें इस मूवी का स्टोरी का, तो ये मूवी पूरी तरह से साइफाई है और इसमें बहुत से एडवेंचर सीन दिखाए गए हैं। और बात करें ये मूवी कब रिलीज हुआ था, तो ये मूवी 2009 में रिलीज हुआ था, और ये मूवी अपने समय का पूरा टॉप मूवी था जिसको कोई पीछे नहीं कर सकता था। टॉप 3 भी जो मूवी है उसका नाम है डोरेमोन की गैजेट म्यूजियम का रहस्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये मूवी पूरे गैजेट के राउंड घूमती है। और बात करें इसके स्टोरी टेलिंग की, बहुत सी गैजेट के ऊपर बनी है और डोरेमोन की बैल के ऊपर भी बनी है, जहाँ पर नोबिता एक डिटेक्टिव है। क्योंकि नोबिता एक बहुत लेजी बच्चा है, तो उसको डिटेक्टिव के रूप में देखना बहुत अमेजिंग होगा। टॉप 2 नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है नोविताज डोरेमोन। तो ये मूवी काफी क्लासिकल मूवी है जो रिलीज हुई थी 1918 में। और बात इस मूवी के स्टोरी टेलिंग की, तो ये मूवी फ्रेंडशिप और ऐसे ही और इमोशनल टॉपिक पर देखने को मिलती है जिसको समझाना बहुत हार्ड है, लेकिन ये भी अपने समय की टॉप नंबर की मूवी। फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है नोविता एंड द स्टील रोप्स। ये जो मूवी है वो मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें हर एक चीज परफेक्ट है, एनिमेशन से लेकर डबिंग तक। और बात करें इस मूवी की स्टोरी टेलिंग की, तो ये मूवी पूरी साइफर पर बेस्ड है जिसमें हमें एक रोबोट की दुनिया को दिखाया जाता है और साथ ही साथ फ्रेंडशिप और इमोशंस को भी दिखाया जाता है। क्योंकि ये मेरी फेवरेट मूवी है, तो मैं आपको ये मूवी रिकमेंड